हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। माई सेल्फ सी नितिन राजपाल, बिजनेस डेवलपमेंट हेड ऑफ रुद्रा DSA। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एक न्यूज आई है, एक नोटिफिकेशन आई है RBI की, और वो नोटिफिकेशन है रिलेटेड टू FD, दैट इज ए फिक्स्ड डिपॉजिट। दोस्तों, RBI कहता है अपनी नोटिफिकेशन में कि जिन भी लोगों की, जिन भी पब्लिक की बैंक में FD है, पहले क्या होता था और अब क्या होता है FD से रिलेटेड, मैं आपको बताता हूं। पहले ये होता था कि आपने FD कराई बैंक में, वो ऑटोमेटिक रिन्यू होती जाती थी, और आपको FD का इंटरेस्ट मिलता रहता था। मतलब आप FD करा के भूल गए, एक टाइम के बाद जब आपने FD से अमाउंट विड्रॉ करना होता था, तब जाके आप देखते थे कि आपकी FD का अमाउंट क्या है। लेकिन जुलाई में जो नोटिफिकेशन आई है, 2nd of July को, वो नोटिफिकेशन ये कहती है कि दोस्तों, अगर कोई पब्लिक, अगर कोई जनता FD बैंक में कराती है और उसको मैच्योरिटी पे रिन्यू नहीं कराती, तो FD ऑटोमेटिकली रिन्यू नहीं होगी। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका ये इम्पैक्ट होगा कि अगर आपकी FD पे 7-8% का इंटरेस्ट रेट है और आपने रिन्यू नहीं कराई, तो आपको अब वो 7-8% का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा, अपने आप नहीं मिलेगा। आपको उसकी मैच्योरिटी डेट ध्यान रखनी है और बैंक के पास जाके डायरेक्शन देके उसे रिन्यू करा के आना है। दूसरी बात, अगर ऑटोमेटिकली रिन्यू नहीं करते हैं तो RBI कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, FD वाला इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट एक सेविंग अकाउंट के बैलेंस पे होता है वो आपको दिया जाएगा, जो 4% हो सकता है, और FD का अगर 7% है तो 3% का लॉस है। तो जिनकी भी बैंक में FD है, वो अपनी मैच्योरिटी डेट जल्द से जल्द बैंक जाके पता करें और मैच्योरिटी पे, रिन्यूअल डेट पे बैंक में जाके उसे रिन्यू कराएं, जिससे कि आपको इंटरेस्ट का लॉस ना हो। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड वीडियो आपके पास आती रहेंगी। और ये तो एक FD से रिलेटेड मैक्सिमम पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाने वाली वीडियो है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, आपका दोस्त CA नितिन राजपाल, टाटा, बाय बाय।